ये बिल आएगा पास होने के लिए, हमारी पार्टी उसका विरोध करेगी। विजय जी थोड़ा माइक नीचे कीजिए। और हमारा एप्रिहेंशन है कि कांग्रेस पार्टी कोलैबोरेट करके, वॉकआउट करके इस सवाल का, संशोधन विधेयक का अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन करना चाहती है। वी कंडेम द एटीट्यूड एंड द बिहेवियर ऑफ द कांग्रेस पार्टी इन लोकसभा एंड इन द कमिंग टाइम इन द राज्यसभा। नंबर दो, एक हाई पावर डेलीगेशन जिसमें मैं भी हूँगा, प्रशांत किशोर जी भी होंगे, हमारे नॉर्थ ईस्ट के मिस्टर लोथा हैं जो आसाम के अध्यक्ष, वहाँ के अध्यक्ष नागालैंड के वो, और आफाक अहमद, बहुत जल्दी इसी महीने में आसाम जाएंगे और आसाम की जनता, सिविल सोसाइटी के लोग जो संघर्षरत हैं उनकी मदद करने के लिए, सॉलिडरिटी एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग जाएंगे। ये तय किया गया आर्टिकल 370 हो, चाहे यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, चाहे राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का विवाद हो, पार्टी अपने पुराने स्टैंड पर कायम है। नंबर दो, जो नया सवाल है आसाम में, नीचे रखने यार। अरे बोलो मत भाई। जो सिटीजनशिप एक्ट है, हम माइक नहीं उठा सकते हैं, उसके जो अमेंडमेंट का मामला है उसमें राज्यसभा में जो, लोकसभा में जो कांग्रेस पार्टी का एटीट्यूड था उसकी हम निंदा करते हैं। वॉकआउट करना फरवरी के अंतिम सप्ताह में पटना में आहूत की गई है, जिसमें गठबंधन पार्टी के अन्य राज्यों में लड़ने संबंधी विवाद या समस्याएं या फैसले, उन सब चीज़ों पर फैसला करें। बिहार के जो उम्मीदवारों का चयन है, चूंकि आपके लिए बड़ा सवाल वो भी है, वशिष्ठ नारायण जी को पार्टी का अध्यक्ष हैं, उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। और इस फैसला लेने संबंधी निर्णय में जो पूर्व के जो दो अध्यक्ष हैं, श्री ललन सिंह जी और श्री विजेंद्र बाबू, वो भी उनका सहयोग करें। ठीक, लोकसभा चुनाव फरवरी के अंतिम सप्ताह में पटना में आहूत की गई है, जिसमें गठबंधन पार्टी के अन्य राज्यों में लड़ने संबंधी विवाद या समस्याएं या फैसले, उन सब चीज़ों पर फैसला करें। बिहार के जो उम्मीदवारों का चयन है, चूंकि आपके लिए बड़ा सवाल वो भी है, वशिष्ठ नारायण जी को पार्टी का अध्यक्ष हैं, उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। और इस फैसला लेने संबंधी निर्णय में जो पूर्व के जो दो अध्यक्ष हैं, श्री ललन सिंह जी और श्री विजेंद्र बाबू, वो भी उनका सहयोग करें। ठीक, लोकसभा चुनाव सोसाइटी के ऑर्गेनाइजेशन से आस हुए उनसे भी होती रहती है। बिहार के बाहर चुनाव लड़ने की बात हुई थी क्या? पवन जी, प्लीज, ही विल स्पीक इन इंग्लिश, इनको जांच पकड़ना अपना, प्लीज। बिहार के बाहर अभी माइक नीचे, मोबाइल माइक ऊपर उठा दो, अरे आपके सामने यार, मैं अंग्रेजी में बोलूं क्या?